रामनगर में अभी मौजूद है और देख सकते हैं उस पार जो है कमरुद्दीनपुर गांव है, रचियाही है, आकाशपुर है, और उस पार देख सकते हैं सीमा है, नया गांव है, बलापुर है, बहुत सारे गांव है और वहाँ से पानी जा रहा है रचियाही के तरफ। और अभी हम पुल पर है, रामनगर कहा जाता है। अब दृश्य देख सकते हैं, एक बार दृश्य कैमरामैन दिखाइए किस तरह से पानी का बहाव जो है अब आ गया। रामदिरी कसपुरा कहते हैं 17 नंबर वार्ड है, यहाँ पर 17 बज चुका है जहाँ पर खतरा मंडरा रहा है बाढ़ का, क्योंकि नगर निगम कहते हैं। और नगर निगम, मुझे नहीं लगता कि बेगूसराय में जो मेयर साहब होंगे, जो विधायक साहब होंगे, कौन इस चीज़ को नगर निगम कह देता है जो कि हर साल डूबा रहता है, उसको कौन ढंग से नगर निगम का। ये नगर निगम ना होना चाहिए, गाँव नगर निगम तो होने चाहिए, नगर निगम है। अच्छा, नगर निगम पे नाम पे ठेंगा है। हाँ, ठेंगा। जिस तरह पानी आ रहा है लगता है 22 पार कर जाएगा। कौन टोला वार्ड नंबर है? महाजी आ सर, ये डूब गया है, क्या कहना चाहेंगे? खाली डीह बचा हुआ है, तैयारी है छत पर चढ़। हाँ, तैयारी है, हो रहा है, वो भी हो रहा है, हो गया जान माल सब जो है, क्योंकि मटिहानी के लिए एक बाढ़ जो है पर अभी कह लीजिए जो हर साल उठ उठ के आता है और कोई इसका समाधान नहीं है। बगल का कमरुद्दीनपुर है वो भी डूबता है, आकाशपुर भी डूबता है, लेकिन सब आता है नगर निगम में और इसी को कहते हैं असल में नरक निगम। सकते हैं, एक बार दृश्य कैमरामैन दिखाइए किस तरह से पानी का बहाव जो है अब आ गया है। लगा नहीं था कि बारिश जो है पड़ेगी और बारिश पड़ने के बाद इतना बाढ़ का पानी आएगा, लेकिन ये पानी कहीं ना कहीं से आ रहा है और लोगों को अब दहशत में तब्दील करने के लिए मौजूद कर रहा है। कुछ लोग से भी हम जानने की कोशिश करेंगे और कुछ लोग से बात करने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से इस बाढ़ की तैयारी हो रही है और क्यों। क्योंकि यहाँ तैयारी इसलिए कहते हैं क्योंकि हर साल यहाँ पर बाढ़ आता है और हर साल यहाँ पर लोग जो है पानी में डूबते हैं और आदत सी मच गई है इस बाढ़ में जाने की, क्योंकि प्रकृति का प्रकोप है और इसे रोका नहीं जा सकता है और ये प्रकृति का प्रकोप यहाँ पर जाने पड़ेगा। कुछ छोटे बच्चे हैं यहाँ से जा रहे हैं, इनसे हम जानेंगे। देखिए, देखों में देखा किस तरह से रामनगर में हमने दिखाया कि तस्वीर किस तरह से लगातार बनी हुई है और यहाँ पर कुछ लोग पसपुरा ढाला पे अभी हम आए हुए हैं और गांव जो है 1 से 3 दिन के अंदर लगभग जो है डूब जाएगा। हालांकि ये आदत है इनके बरसों से डूबने की, क्योंकि अक्सर यहाँ पर पानी आता है। लगा नहीं था चाचा जी कि इस बार बारिश होगा, उतना हुआ भी नहीं था, लेकिन पानी गलती से कहीं से आ गया। क्या संभावना है पूरा पानी से डूब जाएगा? हाँ, बढ़ते करेगा। आप लोग का घर बचा है क्या? बचल है, चारों पट्टी पानी तो आ गया है, लेकिन चारों तरफ से घेर रहा है। हाँ, पूरा लग रहा है कि इस बार डूबने का चांसेस है, बारिश नहीं हुआ था फिर भी। जिस तरह पानी आ रहा है लगता है 22 पार कर जाएगा। आपका कौन टोला वार्ड नंबर? महाजी 8। महाजी 8 के हैं, आप क्या कहना चाहते हैं? सर, ये डूब गया है, क्या कहना चाहेंगे? खाली डीह बचा हुआ, तैयारी है छत पर चढ़ने की। हाँ, तैयारी है, हो रहा है, वो भी हो रहा है, हो गया जान माल सब जो है। हाँ, एकदम सब चारा उरा देख सकते हैं। मौजूद हैं यही साइकिल वाले भैया से पूछना चाहते हैं, क्या बोल रहे हैं? तैयारी चल रही है, तैयारी इसलिए कहेंगे कि हर साले आता है, पूरा तैयारी पर्व हो गया आपके लिए। हमारा तो 16 साल से इस पर्व है, इसको देखने के लिए हम तो उभरते रहते हैं कि कहाँ पर क्या हो रहा है। अभी तो सर्वे कर रहे हैं, इधर से जाकर उधर घूमेंगे, इधर से इधर घूमेंगे। इनकी ठंडा पानी लेके जा रहे हैं, अंदर में इनका गांव पड़ता है। आपके तरफ पानी आया है? पानी आया है, संभावना है आने की आपके, पूरा बाढ़ डूबने की? बढ़ने का संभावना तो है, पूरी संभावना है। तेज धार देख सकते हैं जो कि बढ़ रहे हैं। क्या सब तैयारी किए हैं? क्योंकि तैयारी इसलिए कहें कि एगो बाढ़ है, एगो मटिहानी के लिए पर्वे माना गया है कि बाढ़ आते रहता है पूरा। जो पर्व तो ये है, पर्वे हो गया ना, तो ये देखिए पर्व इसीलिए कहते हैं क्योंकि मटिहानी के लिए एक बाढ़ जो है पर्व ही कह लीजिए जो हर साल उठ उठ के आता है और कोई इसका समाधान नहीं है। लेकिन क्या करें, गांव वाले अपना घर छोड़कर नहीं जा सकते हैं, क्योंकि यही घर है, यही द्वार है, यही जिंदगी है, इस पर आपको करना पड़ेगा और इसी पर रहना पड़ेगा। क्या कह रहे हैं चाचा जी? वो घर डूब रहा है, देखिए ना, यह घर है। क्या सब तैयारी किए हैं? बांध पर आके गाय माल सब बांधेंगे ना? बांधे करेंगे, अब सब घर डूब गया है। मंत्री जी आते हैं कि नहीं? कोनो मंत्री नहीं आते हैं, अरे कोनो मंत्री कोई नहीं। विधायक तिधायक सब आता है? कोई नहीं आता है। देख सकते हैं कोई नहीं आता। अभी तो फिलहाल नहीं आएगा, डूबने के बाद आएगा। तो यहाँ पर एक भैया है, युवा है, अभी घर का आपका घर कहाँ? इधर अंदर में है, इधर है, तो इधर कम से कम देख के लग रहा होगा क्या कि इन लोगों की मदद करनी चाहिए आने वाले समय में। हाँ, जरूर करना चाहिए। तो पूरी उड़ी सब छानेंगे घर में, मदद रोड को लोगों को बांटे उठेंगे ना? जरूर, अपने घर में शरण देंगे ऊपर के लोग को? जरूर देंगे। आपका पसपुरा है जी, वहाँ का कैसा स्थिति रहता है रोड उड में, बारिश उरिश में?
रोड में क्या रहेगा, नगर निगम में आते हैं। हाँ, नगर निगम में आते हैं। कैसा स्थिति नगर निगम? बहुत बुरा स्थिति है, बहुत बुरा। इस बार क्या मेयर से लेकर वार्डर सबको बदलेंगे? सब बदला जाएगा अगले बार। क्या सर, क्या बोलिए? निगम हाँ, क्या कह रहे हैं? अभी नगर निगम के अधिकारी लोग हैं। अदालत हमारे नगर निगम है, हमारा भी जमीन पड़ता है। नगर निगम में थोड़े आता है, पंचायत में आता है। नगर निगम, ये भी नगर निगम है, ये भी अपने को है। सर, स्कूल डूब जाती है तो क्या उस समय क्या परिस्थिति, छुट्टी उट्टी होती है बच्चों लोगों की? बाढ़ का यहाँ छुट्टी होता है, बाढ़ का छुट्टी हो जाता है ना। तो अभी से जैसे कि देख रहे हैं 2 से 3 दिन में पानी आने को है, तब तो बच्चे को अलर्ट कर दिया जाएगा। एकदम अलर्ट किया, एकदम अलर्ट कर दिया जाएगा। स्कूल हो सकता है 3-4 दिन में बंद हो जाएगा। बंद है यहाँ, बाढ़ का छुट्टी हो चुका है। हो चुका है, आपके तरफ पानी आया है? पानी आया है। तो क्या करेंगे आप? व्यवस्था जालमाल का सब व्यवस्था हो गया है? दूध वाले भैया जी हैं, आपका घर कहाँ पड़ता है? बहुत स्थिति, बाढ़ का स्थिति से बहुत ही खराब, जाने आने का रास्ता, कहीं पर रास्ता का भी प्रॉब्लम है। तो कहीं पर माल मवेशी है से पानी में खड़ा है, या कोई देखने ताकने वाला नहीं है, कहीं कोई व्यवस्था का कोई यहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं। तो चलिए, देख सकते हैं लगातार 2-3 नगर निगम को यहाँ पर नगर निगम बनाने के लिए जो प्रयास लगा है, यहाँ पर निरंतर जो है 17 नंबर वार्ड, 5 नंबर वार्ड, आगे सीमा भी वार्ड है, ये सब नगर निगम में आता है, जो हर साल बाढ़ में विलीन हो जाता है। उस नगर निगम को कैसे आप लोग नगर निगम कह देते हैं?